तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग और हैप्पी नवरात्रि। एक्चुअली आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो हमारे घर में भी पूजा की हो रही है तैयारी। हमारे घर में भी माता जी हैं, तो उनको अच्छी तरीके से श्रृंगार किया जाएगा, उनको स्थापित किया जाएगा। आज है पहला नवरात्रा, तो पूजा हमारे घर में भी तैयारियां चल रही हैं। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं। और कल मैं थोड़ा सा माता जी के लिए शॉपिंग करके भी लाया था, तो आपको भी दिखाता हूँ कि कल मैं क्या लेके आया था, और देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पूजा की कैसी कैसी क्या तैयारियाँ हो रही हैं। चलो। तो फ्रेंड्स, इधर देखो, इधर तो ये आलिया सो रही है, अभी नींद कर रही है वो, और इधर जानवी कर रही है नाश्ते की तैयारी, और इधर मम्मी बैठी हुई हैं, ये पूजा की तैयारी हो रही है, मतलब माला वगैरह बन रही है फूल की। सौम्या बैठी हुई है और मम्मी बैठी हुई ये बन रही है। क्या बना रहे हो? माला, गुलाब की माला। ये माला पूजा के लिए, माला की तैयारी हो रही है। और मैं आपको माता जी के भी दर्शन करा देता हूँ। आज आप भी कर लीजिए दर्शन, नवरात्रि का पहला दिन है, तो लीजिए करिए मैया के दर्शन। जय माता दी। फ्रेंड्स, अभी माताजी का श्रृंगार होगा, फिर मैं आपको दर्शन फिर से कराऊंगा एक बार और। जब माताजी पूरी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएंगी, तो मैं आपको फिर से माताजी के एक बार और दर्शन कराऊंगा। शाम को हो सकता है मैं दुकान से लौट के आऊं, उसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा। और फ्रेंड्स देखिए, मैं रात को क्या क्या लेके आया था माताजी के लिए। ये देखिए, एक ये लहंगा लेके आया था माताजी के लिए रेड कलर का, एक ये पिंक कलर का लहंगा लेके आया था, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये एक पिंक कलर का लहंगा लेके आया था। अब जानवी को जो अच्छा लगेगा वो पहनाएगी माता को। और ये देखिए, एक ये माता जी के लिए बहुत ही सुंदर चुनरी थी, आप बताना कैसी लग रही है। एक ये चुनरी लेके आया था मैं मैया के लिए, और ये थोड़ा सा श्रृंगार का सामान, और एक ये छोटा सा नेकलेस लेके आया था। ये देखिए, एक ये नेकलेस लेके आया था, एक ये माला लेके आया था। ये देखिए, एक ये माला लेके आया था, और एक ये माला लेके आया था। तो अब आप बताना कि इसमें से कौन सी ज़्यादा सुंदर लग रही है, कौन सा माता जी को पहनाना चाहिए आज पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन। आप कमेंट करके बताना। अभी जानवी तैयार करेगी माता को, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, माता का पूरा अच्छी तरीके से श्रृंगार हो जाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा, मैया के दर्शन एक बार और कराऊँगा मैं आपको। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको दिखाया कि है ना माता जी के लिए मैं क्या क्या श्रृंगार में लेके आया था, और अभी जब माता जी को जानवी अच्छी तरीके से तैयार करेगी, फिर मैं आपको एक बार और उनका दिखाऊंगा, अपनी पूरी मतलब मूर्ति का श्रृंगार हो जाएगा, फिर मैं आपको और एक बार दिखाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैया जी कैसी लग रही हैं। और आज है हिंदुओं का नया साल। एक्चुअली आज अपने ये जो नववर्ष बोलते हैं ना, नववर्ष आज ही स्टार्ट होता है, मतलब आज हिंदुओं का भी नया साल है। तो आप सबको नए साल की भी बहुत बहुत बधाई। और फ्रेंड्स, अब चलते हैं, करते हैं नाश्ता और चलते हैं शॉप पे, फिर उसके बाद मैं शॉप पे जाके आप लोगों से मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये देखिए माता जी के लिए माला तैयार हो गई है गुलाब के फूल की। ये पूरी माता के लिए ही है, और मैया जी के लिए माला कितनी सुंदर लग रही है ये। चलो फ्रेंड्स, देखते हैं नाश्ते में आज क्या बनाए, नाश्ता करते हैं और चलते हैं दुकान। तो फ्रेंड्स, नाश्ते में आज बनाए प्याज का पराठा। एक्चुअली प्याज का पराठा बना है। अब खाते हैं, दही लेते हैं और दही के साथ करते हैं नाश्ता, फिर चलिए दुकान चलते हैं और मिलते हैं आपसे शॉप पे पहुंच के। सो फ्रेंड्स, मैं दुकान पहुंच गया हूं और दुकान खोल ली है। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारे यहाँ गणगौर माता का त्यौहार सनावद में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रियों के दिनों में ही गणगौर माता का त्यौहार आता है, तो चौथे या पाँचवें नवरात्रि पर गणगौर माता का त्यौहार यहाँ सनावद में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ मार्केट में भी बहुत ज़्यादा रश होता है। एक्चुअली लोग कपड़े वगैरह की ख़रीदारी बहुत ज़्यादा करते हैं, कॉस्मेटिक भी बिकता है, बट कॉस्मेटिक से ज़्यादा अपने कपड़े ज़्यादा बिकते हैं। तो गणगौर माता पे लोग कपड़े ख़रीदते हैं, नए नए ड्रेसेस ख़रीदते हैं, और ये त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों को भी, गणगौर माता का त्यौहार जब आएगा तो यहाँ पे माता जी निकलती हैं, मतलब बहुत ही सुंदर तरीके से शहर को सजाया जाता है, और नवरात्रि में गणगौर माता का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो वो जब भी होगा ना प्रोग्राम, मैं आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगा कि गणगौर माता का त्यौहार यहाँ कैसे धूमधाम से मनाया जाता है।
सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे मार्केट में गणगौर माता के उपलक्ष में मतलब कितनी भीड़ है मार्केट में, मतलब बाजार में कपड़ों की दुकानों पे कितनी भीड़ है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे आसपास जो कपड़े की दुकानें हैं उन पे कितनी भीड़ है। और कॉस्मेटिक का माहौल थोड़ा सा ठंडा ही रहता है, इतनी गिराकी नहीं है, बट कपड़ों की दुकान पे बहुत भीड़ है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ कपड़ों की दुकान और दिखाता हूँ कि मार्केट में कितनी भीड़ है कपड़ों की दुकान पे। सो फ्रेंड्स, मैं घर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ माताजी की, जानवी ने पूरी मैया रानी को बहुत अच्छी तरीके से सजाया है। मैं आपको मंदिर भी दिखाता हूँ और माता रानी भी दिखाता हूँ किस तरीके से उनका श्रृंगार हुआ है। तो चलिए देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, माताजी के दर्शन कराता हूँ और माताजी का श्रृंगार दिखाता हूँ कैसे किया गया है। तो ये फ्रेंड्स कलश की स्थापना की गई है, ये कलश की स्थापना की है जानवी ने। और ये माताजी की देखिए, ये कितनी सुंदर तरीके से माताजी को सजाया गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, मैं आपको जूम करके माता की और तस्वीर अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। ये देखिए, बोलो सच्चे दरबार की जय। पापा, फ्रेंड्स ये देखिए, ये देखिए माता रानी के दर्शन कर लीजिए आप भी, आपको भी आशीर्वाद मिलेगा मैया का। फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।